नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैरिकोज हेयर एंड केयर सिल्क एंड शाइन लिव इन कंडीशनर विथ फ्रूट विटामिन्स। ओके, तो मैंने ये सैशे, आप देख सकते हो, आपको ये सैशे ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ में मिल जाता है। लिव इन कंडीशनर ऑलमोस्ट सीरम की तरह होता है और आपके हेयर में अगर टैंगल्स है ना, तो आप लिव इन कंडीशनर की हेल्प से उस टैंगल्स को बहुत ही ईजिली यू नो रिमूव कर सकते हो। और एक चीज़ गाइज, लिव इन कंडीशनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है उन लोगों के लिए जिनका हेयर यू नो मैनेजेबल। ये वीडियोज़ देखते हैं उनको पता है मुझे सीरम यूज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपने हेयर पे। हेयर बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाता है, हेयर फॉल कम होता है, बिकॉज़ यू नो आप बहुत ही ईजिली टैंगल्स को छुड़ा सकते हो एंड दैट इज़ द रीज़न हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मुझे बहुत सही लगता है, मैंने इसे यूज़ किया एंड आई जस्ट लव द प्रोडक्ट, बिकॉज इसमें जो फ्रूट विटामिन्स है ना, वो आपके हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। आपके हेयर को ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा, सिल्की बनाएगा, बाउंसी बनाएगा। इसके सैशे में आपको मिलता है 2.5 ml का प्रोडक्ट। ओके, एंड अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप ऐसा कोई भी लिव इन कंडीशनर ले सकते हो। आई वुड रिकमेंड सिल्क एंड शाइन लिव इन कंडीशनर बिकॉज आई हैव रिसेंटली यूज्ड इट एंड आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। आई वॉज थिंकिंग कि जब मेरे पास यू नो सीरम वगैरह ख़त्म हो जाएगा, मैं एक एक्स्ट्रा ये खरीद के रखूँगी। आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट एक्चुअली। ओके, अगर हम बात करें कैसे आपको यूज़ करना है, बिल्कुल जैसे हम सीरम यूज़ करते हैं ना, डिटेंगलिंग सीरम, बिल्कुल वैसे ही आपको यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके हेयर को सिल्की बनाएगा, शाइनी बनाएगा। डायरेक्शंस दिया गया है ताकि आपका हेयर मैनेजेबल रहे। ओके, आपको अपना हेयर वेट करके, मतलब जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हो ना, उसी टाइम पे आफ्टर हेयर वॉश आप इसे अच्छी तरह अपने हेयर पे लगा लीजिए एंड देन जस्ट जेंटली कोम्ब थ्रू। नेचुरली आपके हेयर में जितना भी टैंगल्स है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी का इन्फॉर्मेशन सब कुछ दिया गया है, अगर आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। इसका ये आप ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हो एंड दैट इज़ अ गुड यू नो अमाउंट ऑफ टाइम। एंड क्रिम पे दिया गया है इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, दैट इज़ 12/2019। आप देख सकते हो इसके प्राइस के हिसाब से इसका जो क्वान्टिटी है ये थोड़ा सा आई थिंक कम है। इसका जो बॉटल है वो आपको जो 100 ml का बॉटल 182 रुपीज़ में मिल जाता है एंड दैट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। एंड ये आपके हेयर को स्मूथ बनाएगा, सपल बनाएगा। एंड यू नो अगर आपका हेयर बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल हो गया है, स्पेशली आफ्टर हेयर वॉश, काफ़ी बार होता है कि हमारा हेयर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है एंड यू नो अनमैनेजेबल हो जाता है, उस टाइम आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हो। एंड स्पेशली गाइज, जब भी आप कोई भी हेयर यू नो कोई भी स्टाइलिंग वगैरह कर रहे हो, लाइक हीटिंग टूल्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, देन आई वुड रिकमेंड टू यूज़ अ लिव इन कंडीशनर जो आपके हेयर को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द हीट दैट यू आर यू नो यूजिंग टू डू द स्टाइलिंग। इसका बॉटल आप देख सकते हो, सेम कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाता है, यही ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, 100 ml का प्रोडक्ट है, अगर आपको पसंद है आप ज़रूर खरीद सकते हो। बट बिफोर एज यूजुअल एज आई से, आपको पहले एक छोटा सा सैशे लेना है, पहले यूज़ कीजिए, अगर आपको सूट करता है देन ओनली गो फॉर द बिगर बॉटल्स। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डू चेक इट आउट। या आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, इवन आपको ऑफलाइन स्टोर्स में भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, रादर आपको बहुत सारा डिस्काउंट भी मिल सकता है इफ़ यू बाई ऑनलाइन। इसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जैसे हम सीरम यूज़ करते हैं। इसका कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल वैसा ही है, ऑयली टाइप का कंसिस्टेंसी है, बट वंस यू पुट इट ऑन योर हेयर आप देखोगे कि बिल्कुल ये आपके हेयर में सोक कर लेगा एंड इट विल रिमूव ऑल द टैंगल्स। आपको फिंगर्स की हेल्प से अच्छी तरह धीरे धीरे अपने टैंगल्स को हटाना है। आपके हेयर को ये यू नो थोड़ा सा स्लिपरी या फिर सिल्की बना देता है, वुड से, जिसकी वजह से बहुत ही ईजिली टैंगल्स रिमूव भी हो जाता है। ओके, और एक चीज़ गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है लिव इन कंडीशनर। कंडीशनर मैं आपको यूज़ करने का हमेशा एक प्रोसेस बताती हूँ कि आप पहले हेयर वॉश करने के बाद आप कंडीशनर को यूज़ करके अपने हेयर में
पूरे लेंथ में, नॉट ऑन द स्कैल्प बट ऑन द लेंथ ऑफ। क्या करते हैं हम उसे अप्लाई करने के बाद 2 to 3 minutes या फिर 5 minutes तक रख के अच्छी तरह हेयर वॉश कर लेते हैं ताकि कंडीशनर या फिर शैम्पू कुछ भी हमारे हेयर में ना रहे। बट इन दिस केस आप देख सकते हो दिस इज़ लिव इन कंडीशनर, सो वंस यू हैव पुट इट ऑन योर हेयर देर इज़ नो नीड टू वॉश इट ऑफ। ये बिल्कुल आप सीरम की तरह यूज़ कर सकते हो, जैसे हम सीरम यूज़ करते हैं हम सीरम को बिल्कुल भी वॉश अवे नहीं करते, वैसे ही लिव इन कंडीशनर को भी हमको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ यू आर यू नो गोइंग समवेयर आउट पार्टी वगैरह में जाना चाहते हो, देन आप स्टाइलिंग करने से पहले कोई भी हीटिंग टूल्स लाइक कर्लर, स्ट्रेटनर, अब कुछ भी या फिर ब्लो ड्रायर कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो ना, तो आप इस लिव इन कंडीशनर को यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका हेयर हीट से भी प्रोटेक्टेड रहेगा प्लस आपका हेयर काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल रहेगा। सो गाइज आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। गाइज इफ इट वॉज हेल्पफुल प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपलोड्स, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कैसे टाइप के वीडियोस देखना चाहते हो। चलिए मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द विद अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।